हेलो भाइयों, तो ये देखिए हमारे पास सैमसंग टैब 4 है। मॉडल नंबर है SMT231। ठीक है, प्रॉब्लम ये टैब ऑन नहीं हो रहा है। ऑन मतलब वैसे तो चार्जिंग पे लगाने पे चार्ज हो रहा है, पर ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि ऑन ना होने का रीज़न है पावर बटन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसका पावर बटन है, ये देखिए काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। मैंने दबा रखा है, एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको पास से थोड़ा। ये देखिए, तो दोस्तों पावर बटन काम नहीं कर रहा है इसका। देखो जो है टैब चार्ज हो रहा है, तो हमने जो है खुला तो पड़ा ही है, बस थोड़ा और खोलना है। खुला इसलिए पड़ा है क्योंकि ये दुकानदार का टैब है भाई। जो चलो छोड़ो, खैर अगर आपको नहीं पता हो तो कैसे खोलना है तो आप डिसेंबल देखने ना कैसे करना है। और जो है बैटरी का पत्ता हमने निकाल लिया है, इसमें 5 नट निकलेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 चार्जिंग जैक के पास है। ठीक है, तो अगर आपका फ़ोन चार्ज होता है, ठीक है, टैब चार्ज होता है और ऑन नहीं होता है, तो पावर बटन चेंज करने से हो जाता है, पर बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पावर सेक्शन से होती है कि वहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही होती बटन में। तो आप देखते हैं क्या है इसका, जो है क्या दिक्कत है। इसमें 5 नट निकलेंगे, 2 यहाँ से, 3, 4, 1 यहाँ पे, 5। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम जो है पूरे नट नहीं खोलते हैं, और पूरे नट ना खोलने के साथ साथ हम ट्राई करते हैं कि हाँ खुल जाए खुल जाए। और इसका ये डिस्प्ले का कनेक्टर निकाल लेना, और ये टच का कनेक्टर निकाल लेना। ठीक है, आराम से निकाल लेना। ये देखिए दोस्तों, ये इसके बटन है, और ये बटन पहले चेंज हो चुका है ऐसे लग रहा है मुझे, चेंज हो रखा है ये बटन। देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, जो ये बटन चेंज हो रखा है, देखो अलग अलग क्या दोनों में, देखो इसमें देखो नीचे थोड़ा सा गैप है, देख रहे हो, और इनमें गैप नहीं है, देखो देख रहे हो ये बिल्कुल फिट है, और ये देखो इसमें गैप है, देख पा रहे हो आप। तो मतलब कि ठीक से सेट भी नहीं किया है, पर हमारे सेट करने से क्या बटन काम करना चाहिए, पर फिर भी अच्छे से मैं अच्छे से करूँगा, क्योंकि एक तो वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा मैं अच्छे से करता हूँ काम, जो है कोशिश यही करता हूँ कि टेम्परेली नहीं। अगर हाँ कभी कभार ऐसा होता है ना, हमारे पास इस मॉडल का बटन नहीं है, दूसरा सेट करना हो तो चीज़ बात अलग है, पर मेरे पास इस मॉडल का है। ये सैमसंग के जो बटन है, ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोनों में ये ऐसे बटन यूज़ होते हैं। और ये देखिए पीछे सोल्डिंग अच्छे से कर रखी है, ठीक है, और एक ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड है और ये हमारा प्लस है, तो इसका प्रिंट उखड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी बताऊँगा इसका वे कहाँ से है। तो हम इस बटन को चेक कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं इसे हटा लेता हूँ। ठीक है, हटाने के बाद अब क्या करना है, मैं एक जम्पर लूँगा, जम्पर, ठीक है, जम्पर लूँगा थोड़ा बड़ा सा, जिससे कि आपको भी दिखे। तार ही मैंने जम्पर बना लिया, देखिए ये देखिए। ठीक है, अब मैं उसके टेस्टिंग दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, कि कैसे जाने हम। देखो मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी हमें, थोड़ा सा मैं जूम वो कर लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और टेक्निकली चीज़ें देखो हमारे बताने से नहीं, खुद का भी माइंड होना चाहिए, खुद का भी माइंड यूज़ करना पड़ेगा आपको टेक्निकल वाले काम में, कोई भी काम हो वैसे तो देखा जाए। तो ये देखिए हमने जम्पर लगा लिया है, ठीक है, मल्टीमीटर को जो है बजर रहा हूँ उस पर करते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ,
ग्राउंड को तो हम कहीं भी रख लेंगे, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ ग्राउंड कौन से। ग्राउंड है ये वाला, देखिए ये वाला है हमारा ग्राउंड। आपको बीप की आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये हमारा प्लस का है ये वाला, ठीक है। ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए वैल्यू आ रही है, ये हमारा प्लस का है। ग्राउंड को हम कहीं भी ये भी रख सकते हैं, ये भी ग्राउंड है हमारा, ठीक है। इसका अगर प्रिंट उखड़ जाता है आपका प्लस वाला, जो पावर बटन का प्रिंट उखड़ जाता है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से। ये देखिए, ये मैंने जो है यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, इसका वे कहाँ जा रहा है आपको दिखाता हूँ। ये है पहला वो, ठीक है, ये देखिए। तो दोस्तों देख लीजिए आप, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि प्रिंट उखड़ जाता है, ये देखिए ये पहला रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ का वो है प्लस वाला, ठीक है। तो आप जो है ये भी मैं बता देता हूँ साथ साथ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सिर्फ बटन के लिए हम वीडियो नहीं खोलते, क्योंकि हमारा जो है वैल्यू कहाँ आ रही है और कहाँ पे हमारा प्रिंट उखड़ जाने के बाद कहाँ पे हमारा जंपर लगेगा, तो इसलिए भी हम वीडियो जो है सर्च करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रिंट हमारा उखड़े ना उखड़े, पर आपको इस हिसाब से बताऊँ। ये देखें यहाँ पे हमारा प्लस का जो जंपर लगेगा अगर प्रिंट उखड़ जाता है। तो प्रिंट उखड़ने का रीज़न ये होता है, जैसे कि ये देखो उठा हुआ निकाला है, ज़्यादा टाइट टाइट बटन दबाएंगे ये उखड़ जाएगा, टूट जाएगा, समझ रहे हो। तो अब इसका बटन हम चेंज करते हैं, दोस्तों बटन चेंज करने से पहले मेरी SMD मशीन तो एक तो थोड़ी गर्म हो रही है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका बटन पहले चेंज भी नहीं है तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपका यहाँ पे जो है, ये जो है मैं आपको नया वो दिखाता हूँ, ठीक है। ये बोर्ड में ये इसके ये देखिए ये वाला बटन लगेगा इसके अंदर, ठीक है। इसमें दो टांगे निकली हुई हैं, ये तो फोकस नहीं कर रहा है, खैर ठीक है। जो कि हमारे इनमें दो ये दोनों सेट होती है, ठीक है, और हमको रीसोल्ड कर लेना है। क्या करना, ये देखो यहाँ पे जो रीसोल्ड कर लेना, देखो यहाँ पे रीसोल्ड कर रखा है ना, इसी तरीके से आपको रीसोल्ड कर लेना, जिससे कि बटन निकलने में आसानी हो, क्योंकि हम हीट यहाँ से मारेंगे, हम मारेंगे हीट यहाँ से, और रीसोल्ड कर लेना है यहाँ से, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर भी ठीक से, रीसोल्ड पेस्ट लगा के, ठीक है, रीसोल्ड कर लेना। उसके बाद अपने जो है इस बटन पे भी थोड़ा सा जो है सोल्डिंग कर लेना, ये देखिए ये मैंने कर रखी है, ये देखिए, ठीक है, थोड़ी सोल्डिंग कर लेना। अब हम इस बटन को निकालते हैं और दूसरा लगाते हैं। तो दोस्तों आइए, ये देखिए दोस्तों, अब मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, क्योंकि मैं आपको ये टाइम लगता है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, और आपको ये बता रहा हूँ कि ये बटन निकालना कैसे है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है निकालने में, ठीक से रीसोल्ड कर लेना पीछे से भी और जो है और नीचे की साइड से भी, जहाँ मैंने आपको बताया था। और अगर ऊपर से ना निकले, निकालते टाइम आप ऊपर से भी हीट मार सकते हो, ठीक है। ऊपर से हीट मारने से जो है आपका जल्दी निकल जाएगा, पर आपको लगाना नीचे से ये, क्योंकि हमारा जो है प्लास्टिक जो है जो हमारी बटन की जो प्लास्टिक, देखो ऊपर से हीट मारी निकल गया, तो आपको लगाना नीचे से है, ठीक है। नीचे देखो रीसोल्ड कर लेना, निकालने के बाद थोड़ा साफ करके पेस्ट लगाना, फिर हम नीचे से हीट मारेंगे, क्योंकि नीचे से हीट मारना और जब तक वेट करना जब तक हमारी थोड़ी सी जो है सोल्डिंग गर्म ना हो जाए, उसके बाद बटन को रखना। देखो
पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि हाँ भैया सोल्डिंग गर्म हुई, तो बटन को रखेंगे और लगा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है आप ये देखें, और इसे आराम से क्लीन कर लेना, देखो लग गया है हमारा, क्लीन कर लेना ठीक से। तो आगे आप देखिए, आप तो दोस्तों हमने ये देखिए, हमने जो है चेक इसका जो है पावर बटन लगा लिया है, ये देखिए। ये देखो ये देखो, देख रहे हो आप कैसा लगा है। तो दोस्तों मैं इसका जो है बोर्ड को फिटिंग करके देखता हूँ, और फिर चेक करते हैं कि आपको टेस्टिंग तो पता ही होगी ना इसकी, कि बटन कैसे चेक करना है हमें मल्टीमीटर से। अगर टेस्टिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों पिनों को जो है मल्टीमीटर से जो है लगा के बटन दबाना, बीप करता है तो बटन ओके है, अगर नहीं करता है तो फिर ओके नहीं है, ठीक है। इन दोनों पिनों को या तो आप एक पॉजिटिव वाला रख सकते हो इस पे, और नेगेटिव वाला ग्राउंड पे कहीं भी रख सकते हो, यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हो, ग्राउंड पे कहीं भी। और इसका जंपर मैंने, प्रिंट उखड़ जाता है, इसका जंपर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे पहली पिन पहले उस पर, तो यहाँ पे जंपर कर लेना। और ये देखिए आप कैसे लगाया मैंने, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जो है हमारा टैप ऑन होता है या नहीं होता है, पहली बात तो हो जाना चाहिए भाइयों। ये देखिए हमारा टैब ऑन हो चुका है, तो दोस्तों टैब हमारा ऑन हो चुका है। अब अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स करना कुछ समझ में ना आए तो, और कुछ सजेशन देना हो तो भी कमेंट्स करना। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।